चेन्नई सुपर किंग्स की रिलीज और रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट आई सामने। धोनी और रहाणे समेत कई दिग्गज खिलाड़ी होंगे आईपीएल 2025 से बाहर। बताएंगे इस वीडियो में कौन कौन से खिलाड़ियों को किया जाएगा रिटेन और इसके अलावा बताएंगे कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें किया जा सकता है रिलीज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आईपीएल के अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2024 का सीजन खत्म हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बार प्लेऑफ में भी अपनी जगह नहीं बना पाई थी। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन मिला जुला देखने को मिला, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 14 में से 7 मुकाबलों में जीत हासिल की तो वहीं 7 मुकाबलों में हार का सामना किया। आईपीएल 2025 से पहले हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। निश्चित तौर पर अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी पूरी तरह से बदल जाएगी। मेगा ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को कुछ खिलाड़ियों को रिटेन करना होगा, ज्यादातर खिलाड़ियों को रिलीज भी कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जिन्हें रिटेन कर सकती है, इसके अलावा वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें रिलीज किया जाएगा। अगर हम रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इस लिस्ट में पहला नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज गायकवाड़ अगले सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रहने वाले हैं। आईपीएल 2024 में भी बतौर बल्लेबाज उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। बतौर ओपनर उन्होंने लगातार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रन बनाए। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रविंद्र जडेजा को भी रिटेन कर सकती है। रविंद्र जडेजा न सिर्फ गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाते हैं। रविंद्र जडेजा ने कई मौकों पर अपने आप को साबित किया है। यहां पर तीसरा नाम है शिवम दुबे का। शिवम दुबे ने आईपीएल 2024 में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया है। शिवम दुबे अपने शानदार प्रदर्शन के बलबूते पर टीम इंडिया में भी जगह बना चुके हैं। शिवम दुबे एक बार फिर से अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहने वाले हैं। यहां पर चौथा नाम है मथीसा पथिरा का। पथिराना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, खासकर डेथ ओवर्स में पथिराना एक कमाल के गेंदबाज साबित होते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अगले सीजन में भी पथिराना को रिटेन कर सकती है। यहां पर पांचवा नाम है डेवन कॉनवे का। डेवन कॉनवे आईपीएल 2024 में चोटिल होने की वजह से नहीं खेले थे, इसके बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम डेवन कॉनवे को अगले सीजन के लिए रिटेन कर सकती है। डेवन कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी बनाते हैं और शानदार शुरुआत भी दिलाते हैं। ये वो खिलाड़ी है जिन्हें अगले सीजन के लिए रिटेन किया जा सकता है। अगर हम रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2024 के बाद शायद ही हमें मैदान पर नजर आएंगे। आईपीएल 2025 से पहले वो संन्यास का ऐलान कर सकते हैं और इसका मतलब है कि धोनी अगले सीजन में नहीं खेलेंगे। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अजिंक्य रहाणे को रिलीज कर सकती है। अजिंक्य रहाणे आईपीएल 2024 में कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने जितनी भी पारियां खेली काफी धीमी बल्लेबाजी की। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रचिन रविंद्र और डैरिल मिचेल को भी रिलीज कर सकती है। दोनों ही खिलाड़ियों को इसी साल चेन्नई की टीम ने खरीदा था, हालांकि अब यहां पर दोनों ही खिलाड़ियों को रिलीज किया जा सकता है। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर को भी बाहर किया जा सकता है। शार्दुल ठाकुर भी इस सीजन में कुछ खास नहीं कर पाए थे। इन खिलाड़ियों के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तुषार देश पांडे, सिमरजीत सिंह, महेश तीक्षणा, मिचेल सेंटनर, समीर रिजवी, प्रशांत सोलंकी, शेख रसीद, मुकेश चौधरी, अजय मंडल, राजवर्धन हेंगरगेकर और निशांत सिंधु जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। आपको क्या लगता है आईपीएल 2025 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।